गाय की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश पर अमल करने को लेकर प्रादेशिक गौशाला पंजीकरण संबंधित एक बैठक मंगलवार को जिलाधिकारी सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह ने की। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों ने महानगर में गौशाला के संचालन के नियम और इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाली राशि एवं आवेदन पत्र भरे जाने के तरीके से संबंधित विविध जानकारियां दी। बैठक के दौरान SP साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी और CDO बब्बन उपाध्याय सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ahgoshalareg.up.gov.in इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये साइट खुल जाएगी। इसमें आप नीचे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन यहां लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। अब सारा कुछ ऑनलाइन करना आपको, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, हिंदी में या इंग्लिश में। ये इंग्लिश में है, यहां जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं है, देख लीजिए। गौशाला का नाम है, स्थापन की तिथि है, जनपद है, आवेदन करता है पिता, यूजर नेम ID है, पासवर्ड है और कंफर्म करना है इसको। जब आप वो कर लेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आप डिस्ट्रिक्ट का कोड डालेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक डालेंगे, आपको अपने रजिस्ट्रेशन की स्टेटस पता चल जाएगी। बहुत छोटा सा फॉर्म है। डॉक्यूमेंट देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे ऑनलाइन हैं। आपको गौशाला के संपत्ति के बारे में है, गौशाला पत्र आपको देना है, गौशाला है तो उपलब्ध भूमि देना है, गौशाला स्थापित करने संबंधी लेखा और प्रस्ताव देना है जो आपकी कमेटी में होगा, गौशाला पंजीकरण संस्था की प्रबंधन कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव होगा, गौशाला की विगत 3 वर्षों की IT रिटर्न भरना आपको, ये सारी चीजें हैं, सारे अभिलेख देने हैं आपको, और ट्रस्ट का या संस्था का पूरा कागज देना है। आपको ट्रस्ट का पैन कार्ड नंबर भी देना है, आधार नहीं देना लेकिन ट्रस्ट का पैन कार्ड देना है, समिति या संस्था का। गो आयोग से जुड़ने के लाभ क्या है? गो आयोग से पंजीकरण के बाद कोई भी गौशाला अपना आवेदन अनुदान के लिए कर सकती है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन गौशाला में करा लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद, तो आप लायबल हो जाए, मतलब गौशाला आप एंटाइटल हो जाएंगे कि आप अनुदान के लिए गो सेवा आयोग के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन अपना आवेदन दे सकते हैं। वो दूसरा आवेदन होता है, वो आपको ऑफिस से मिलेगा। गौशाला का उस गौशाला के बारे में रिपोर्ट आयोग को भेजेगी। जब ये रिपोर्ट आयोग की समिति की रिपोर्ट आयोग में चली जाएगी तो आपको अनुदान राशि मिलना सुनिश्चित है। अनुदान राशि देने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए मैं इसको जरा ध्यान से देखिएगा। जितने भी गोवंश आपके पास होंगे उसके 70% गोवंश के ऊपर में 30 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से प्रति साल हम आपको गो सेवा आयोग आपको प्रदान करेगी। 30 रुपया प्रति एनिमल प्रति वर्ष, मतलब 365 दिन। तो अगर मान लीजिए किसी गौशाला में 80 गाय हैं, तो 80 गाय का 70%, 56 गाय हुई, गुणे 30 रुपए के हिसाब से गुणे 365, तो ये करीब 6.25 लाख के आसपास आता है सालाना। भी आगे आपको बताया जाएगा, उसको इंडोर्स करेंगे कि इस गौशाला में इतनी गाय रखी जा सकती हैं, और ये निर्देश होगा माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय का। वो सर्टिफिकेट वेटनरियन देगा कि इस गौशाला में कितनी गाय आराम से रखी जा सकती है। मान लीजिए कोई गौशाला 100 गाय की है, उसमें 80 गाय है, तो उसको जो अनुदान मिलेगा वो 100 गाय पे नहीं मिलेगा, जो फिजिकली वहां 80 गाय है उसके 70% पे उसको अनुदान मिलेगा 30 रुपए के हिसाब से प्रति जानवर प्रतिदिन 1 साल के लिए, प्रति जानवर प्रतिदिन 1 साल के लिए 30 रुपया। लेकिन मान लीजिए कोई गौशाला ऐसी है जहां 100 जानवर की कैपेसिटी है और उसने 120 रखा हुआ है, तो पहले तो जो 100 जानवर से 120 रखा हुआ है उसमें सिर्फ 100 जानवर जितनी उसकी कैपेसिटी होगी
नहीं जानवर का 70%, तो 100 का 70% वो जानवर प्लस बूढ़े 30 बूढ़े 365 इस हिसाब से मिलेगा। मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए 80 जानवर थे, 70% उसका 56 जानवर हुए, 56 जानवर बूढ़े 30 बूढ़े 365 613,200 रुपया हुआ। यदि किसी गौशाला की क्षमता 100 गोवंश रखने की है और उस गौशाला में 120 गोवंश हैं, तो उसे सिर्फ 100 गोवंश के 70% को ही अनुदान मिलेगा तदरीन के हिसाब से। तो 100 बुढ़े 70 बाकी 100 70 एनिमल हो गया, 70 बुढ़े 30 बुढ़े 365 766,500 ये तरीका है आपको अनुदान मिलने का। तो उन्हीं को इसका मतलब उन्हीं की है दो हजार रूपए किराया लेके कौन ले जाएगा, उसको गाय लेकर यहाँ ऐसी ये सब किराया चल रहा है, इसमें सेक्स सीमन भी लेके आ रहे हैं, सेक्स सीमन भी लेके आ रहे हैं जिसमें बच्चिया का ही ज्यादा होगा, थोड़ा सा वो भी कंट्रोल करेगा लेकिन ये ना हो के सुबह दूध हम छोड़ देते हैं सड़कों पर, समस्या ये है बहुत अच्छा सर, जैसा ऐसा पता है दूध छोड़ दे रहे हैं बहुत अच्छा कहाँ रखेंगे।